की बात करें इंडिया की बॉलिंग ने कमाल कर दिया, कोई भी टीम जो है अभी तक सीरीज के अंदर डिफेंड नहीं कर पाई और इंडिया ने डिफेंड किया और मैच जीते और बॉलिंग जाती क्रेडिट जाता है भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर और राहुल चहर जो राइट आर्म लेग स्पिनर आज खेले। भुवनेश्वर कुमार ऑलवेज इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस है, स्लो रोल बड़ा जबरदस्त यूज करता आज। उन्होंने अर्ली ऑन जो है जॉस बटलर की जो विकेट ली वहां से गेम बहुत बढ़िया कर रहा था, वो मार रहा था, खुल के खेल रहा था जिस तरह जॉस बटलर ने पिछले मैच में खेला, लेकिन पांड्या was something। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवे T20 मैच के ओपनिंग में आए विराट और रोहित शर्मा ने शुरू के ओवरों में इंग्लैंड के बॉलरों की जो धुनाई की है उसकी कोई तुलना नहीं। रोहित शर्मा ने 34 गेंद पर 64 रन, 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से पूरी की। वहीं विराट कोहली ने उम्दा कप्तानी पारी खेलते हुए 52 गेंदों पर 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। बात की जाए भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग की तो भुवनेश्वर ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें जेसन राय को पहले ओवर में आउट कर इंग्लैंड के प्रेशर देने की कोशिश की गई। उसके बाद पूरी तरह पिच पर जम चुके बटलर को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया। सच पूछिए तो भुवनेश्वर कुमार ने इंडिया की जीत का प्रथम रोल अदा किया। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर।